इधर लोकसभा चुनाव पास आते ही पार्टी के नेताओं में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीएसपी के वेदराम भाटी, पूर्व प्रत्याशी दादरी विधानसभा से रवि मिश्रा, पूर्व सांसद राष्ट्रीय लोक दल की सारिका सिंह, बरेली से बीएसपी विधायक प्रत्याशी ब्रजलाल पासी, इनके साथ ही पूर्व बीएसपी जिला अध्यक्ष निरंजन धनगर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो दल बदलने का सिलसिला जारी है। महेंद्रनाथ पांडे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी मौजूदगी में आज कई दूसरे दलों के नेताओं ने आज बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने इनको सदस्यता ग्रहण कराते ही तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे उनका परिचय करवाया। और अब ये तमाम जो नेता हैं जिन्होंने दल बदला है, अब ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो कई नेताओं ने अब बीजेपी का दमन थाम लिया है। इसमें बीएसपी के कई बड़े नेता शामिल हैं जो आज बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। दिनेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश, दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है, यह सिलसिला कब तक चलेगा और आज क्या अपडेट्स हैं? बीजेपी में कौन कौन से बड़े नेताओं ने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है? अभी आपको बता दूं कि भाजपा ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जरों के सबसे बड़े नेता माने दल वेदराम भाटी को दल रहे। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के ग्रह जगत से 20 गुर्जर बड़े नेता को अपने पाले करने में रही। इनके साथ सैकड़ों पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के साथ में दादी पूर्व प्रत्याशी 2017 में भाजपा लड़े रवि मिश्रा के साथ भाजपा की सदस्यता ली थी लोगों ने। आपको बता दें, डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है और सरकार है, उन्होंने इस प्रयास में बहुत लगे थे कि पार्टी अगर भाजपा ज्वाइन करेंगे भाजपा का गढ़ मजबूत हो जाएगा और भी पक्ष हो जाएगा तो उसमें वो सफल है और भाजपा की एक सफलता इसको माना जाता। वही राष्ट्रीय लोकदल से सारिका सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ भारतीय जनता पार्टी इसके साथ साथ करीब दर्जनों बसपा सपा राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जनता पार्टी से आशा की और प्रदेश महेंद्र पांडे आज भारतीय जनता पार्टी जी। शुक्रिया दिनेश त्रिपाठी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।